आजा ले आ हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद पत्थर सरकार मुर्दाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार व्यापारी एकता जिंदाबाद सरकार मुर्दाबाद बैठ जाओ आ जाओ भी हरियाणा सरकार हमारे देश के नौजवान दोस्तों किसानों की आज रैली थी पीपली के अंदर और इस रैली को रोकने के लिए विफल बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों को गिरफ्तार करवाया है और नरवाना सिटी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर किसानों को गिरफ्तार करके सिटी थाना में ले जाया गया है। हम यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर थर्मस मंगा लो बड़ी वाली जो होती है। अरे रख दिए दोस्तों हमारे साथ महेंद्र सिंह SHO सिटी थाना से नरवाना, तो उनकी एक बार पूछ लेते हैं जिस प्रकार से उन्होंने गिरफ्तारी दी है रैली को लेकर, उनका क्या कहना है इसके बारे में जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया था। चलते हैं उनसे एक और बात करते हैं। जी सर, जिस प्रकार आज किसानों की रैली थी पीपली के अंदर उसको लेकर हर डिस्ट्रिक्ट में गिरफ्तारी की गई पुलिस के द्वारा, नरवाना में भी की गई, तो क्या कहना होगी सर इसके बारे में? जो पिपली में रैली हो रही थी कोरोना महामारी के कारण लोकल प्रशासन ने उसको रद्द कर दिया था और वहाँ कोई रैली की परमिशन नहीं दी थी। इतनी संख्या में लोग इकट्ठे होने से कोरोना महामारी के कारण खतरा था। उस खतरे को देखते हुए हमने व्यापारी वर्ग से बात करके उनको थाने में डिटेन कर लिया था और वहाँ जाने से रोक रखा था। सर रैली की जो डेट है वो पहले ही काफ़ी दिन पहले रखी गई थी, इसके बारे में किसी को इतला नहीं दी गई? इसके बारे में इतला दी थी कुरुक्षेत्र प्रशासन ने, DC मैडम ने स्पेशल इसको रद्द करके उनकी परमिशन को अखबार में मीडिया के द्वारा सबको बताया था भी इसकी परमिशन रद्द होगी, रैली नहीं हो सकती। जिस प्रकार से आज नरवाना के अंदर गिरफ्तारी हुई है, कितने किसानों ने गिरफ्तारी दी है सर? नरवाना में सिटी में तो किसान तो नहीं थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, उनको हमने डिटेन किया था और वो हमारी सहमति से थाने में बैठे हैं। ठीक है जी, अब उनको छोड़ दिया गया जी? हाँ, अभी अफसरों से बात करके छोड़ रहे हैं उनको। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। SHO महेंद्र कुमार ने बताया है कि जो किसान थे व्यापारी थे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी के बाद उन्हें डिटेन कर दिया गया है व्यापारियों को और उन्हें छोड़ दिया गया है। सरकार की हिदायत थी COVID-19 को देखते हुए एक भीड़ इकट्ठा होना मना है, तो इसको लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन ने सख्त और कड़े इंतजाम किए थे जिसको लेकर गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।